5:15 बजे की बात है, जहाँ पे मैं ही था अकेले, माल टाली कर रहा था। तो वो लड़का है जहाँ से एक, तो बोल रहा था कि मुझे एक ट्यूब चाहिए, खारिश इचिंग वरी हो रही है। तो मैंने बोला सर मैं ऐसे नहीं देता। तो बोल रहे भैया जहाँ पे ट्यूबें लगी हैं तो आप मुझे जहाँ से कोई एक दो ट्यूबें बता दो, तो मैं दे देता हूँ जहाँ से, मैं देख लेता हूँ वाले। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने एक दो ट्यूब बताई उनको जहाँ से निकाली, तो मैंने एक बताई पहले। बोल रहे सर ये नहीं है तो आप दूसरी वाली बता दो। तो बस जहाँ से मैं पीछे की तरफ गया, बस जहाँ से अंदर जहाँ पर रखा हुआ था फोन मैंने, बस अंदर हाथ मार के निकल गया। तो मुझे कुछ एक्टिविटी का पता लगा कि उस लेके भागा हुआ है, तो मुझे उस पर तुरंत पता नहीं लगा। जब इधर आके देखा मैंने कुछ बाहर भी देखा था, लड़का निकल गया था। जब अंदर आके देखा मैंने फ़ोन तो नहीं मिला था सर, तो वो निकल लेके भागे हुए। कार वगैरह कोई पहना था कि ऐसे दिख रहा नहीं, फेस हाल क्लियर था उसका, कैमरे में आगे भी सही रिकॉर्डिंग। हाँ पतला सा था लड़का, मामला पहुँचा दिया। हाँ मैंने अभी गया था FIR लिखा के आगे, मैं उन्होंने भी बता दिया। हाँ अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये आते हैं अकेला था कि इसके साथ कोई और भी था? एक्चुअली बाहर के महल्ले के लोगों ने बताया कि बाहर आगे वाली साइड दो लड़के थे, स्कूटी पे ही थे। तो ये तो अकेला ही आया था। तो जब वो थे कि नंबर से कोई प्लेट शायद कवर कर रहे थे, क्या थे मुझे इतना पता नहीं, लोगों ने बताया था। तब वो वहाँ बाहर की तरफ ही भागे थे। बाहर लोग कह रहे हैं कि ये तीन लड़के हो सकते हैं। इस समय शास्त्री नगर इलाके में हूँ और आपको बता दूँ तकरीबन 5 बजे के करीब एक मेडिकल शॉप में एक लड़का आता है और उसके साथ कुछ और लड़के भी मौजूद रहते हैं। और जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर फ़ोन रखा गया था, ये नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ़ोन पड़ा था। और वो यहाँ पर आता है और आकर ट्यूब मांगता है कि खारिश हो रही है और उसकी ट्यूब चाहिए। और जब जो ओनर है वो ट्यूब देने लगता है तो वो यहाँ से मोबाइल उठाकर भाग जाता है। उस समय हालांकि ओनर को नहीं पता चलता कि फ़ोन उठा के ले गया, लेकिन बाद में जब ओनर अपना फ़ोन ढूंढता है तो उसको फ़ोन नहीं मिलता। ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम आपका? सर मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल कुमार, हाँ जी। कितने बजे का पूरा बात क्या है, क्या कुछ पूरा हुआ है बताइए? ये कोई 5:15 बजे की बात है, जहाँ पर मैं ही था अकेले, माल टाली कर रहा था। तो वो लड़का है जहाँ से एक, तो बोल रहा था कि मुझे एक ट्यूब चाहिए, खारिश इचिंग वरी हो रही है। तो मैंने बोला सर मैं ऐसे नहीं देता। तो बोल रहे भैया जहाँ पे ट्यूबें लगी हैं तो आप मुझे जहाँ से कोई एक दो ट्यूबें बता दो, तो मैं दे देता हूँ जहाँ से, मैं देख लेता हूँ। नहीं तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने एक दो ट्यूब बताई उनको जो जहाँ से निकाली, तो मैंने एक बताई पहले। बोल रहे भैया सर ये नहीं है तो आप दूसरी वाली बता दो। तो बस जहाँ से मैं पीछे की तरफ गया, बस जहाँ से अंदर जहाँ पर रखा हुआ था फ़ोन मैंने, बस अंदर हाथ मार के निकल गया। तो मुझे कुछ एक्टिविटी का पता लगा कि उस लेके भागा हुआ है, तो मुझे उस पर तुरंत पता नहीं लगा। जब इधर आके देखा मैंने कुछ बाहर भी देखा था, लड़का निकल गया था। जब अंदर आके देखा मैंने फ़ोन तो नहीं मिला था सर, तो वो निकल लेके भागे हुआ था। नकाब वगैरह कोई पहना था कि ऐसे फेस दिख रहा नहीं था? नहीं, फेस हाँ क्लियर था उसका, कैमरे में आगे भी सही रिकॉर्डिंग। हाँ पतला सा था लड़का। पुलिस तक मामला पहुँचा दिया आपने? हाँ मैंने अभी गया था FIR लिखा के आगे, मैं उन्होंने भी बता दिया। हाँ हाँ अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये आते हैं अकेला था कि इसके साथ कोई और भी था? एक्चुअली बाहर के महल्ले के लोगों ने बताया कि बाहर आगे वाली साइड दो लड़के थे, स्कूटी पे ही थे। तो ये तो अकेला ही आया था। तो जब वो बोल रहे थे कि नंबर से कोई प्लेट शायद कवर कर रहे थे, क्या थे मुझे इतना पता नहीं, लोगों ने बताया था। तब वो वहाँ बाहर की तरफ ही भागे फिर उस साइड की। अच्छा, बाहर लोग कह रहे हैं कि ये तीन लड़के हो सकते हैं, तो स्कूटी कवर कर नंबर प्लेट हटा रहे थे ताकि वो दिखे ना, कवरिंग कर रहे थे ऐसे। उधर के लोगों के व्यू थे जो बता रहे हैं कि उन्होंने कवरिंग ऐसे कुछ मोबाइल नंबर जो पेट है स्कूटी का वो मतलब मिटा रहे थे, कोई प्लास्टिक लगा रहे थे। जब बात कर रहा था तो क्या आपको क्या पता लग रहा है, कौन सी अपनी भाषा इस्तेमाल कर रहा था आपसे बातचीत करने के लिए? नहीं वो तो डोगरी बोल रहा था, हाँ लोकली लग रहा था, वाई फेस भी लोकली लग रहा था। तो क्या कह रहा था कि ये वो ट्यूब नहीं है, दूसरी ट्यूब है? बार बार बोल रहा था भैया मुझे इधर बहुत ईचिंग है तो कोई ट्यूब बता दो। मैंने बोला था नहीं देता। बोल रहा था जहाँ पे ट्यूब लगी आप दे दो मुझे जो खारिश वाली है। तो एक दो ट्यूबें बताई थी मैंने, तो बस एक दो लास्ट वाली मैंने बोला मैं देता नहीं। फिर जहाँ पर जब देखने गया तो बस पीछे से जहाँ पर खड़ा ही था, बस अंदर से जब देखा उसने कि भैया उस साइड फेस किया हुआ, निकाल के लेके भागे। कौन सा फ़ोन था? मेरा ओप्पो का था। ओप्पो का? हाँ। कितने का होगा? नहीं सॉरी, Realme 8i का था। हाँ जी, 18-20 हज़ार की रेंज में था बस। दो तीन साल पहले परचेज किया था। इस इलाके में पहले कोई चोरी हुई है इस तरीके? नहीं, इससे जो पहले ही वारदात हुई अभी, पहली बार। हाँ, इसने पहले कभी नहीं हुई यहाँ पे। जो लड़का आया था उसको पहले कभी देखा दुकान पे सामान लेते? नहीं नहीं, सेट पहली बार ही देखा उसको भी। पहली बार ही? हाँ, पहली बार चोरी। पुलिस क्या कह रही है? वो उन्होंने भी नंबर दे दिए मैंने ट्रेस करने के लिए, वो हम भी पता करा देते हैं। हाँ वो स्विच आ रहा आपका फोन? पहले जब देखा था BGR था, तब दोनों दो नंबर है उसमें, दोनों स्विच ऑफ बता रहे। हाँ हाँ
इसमें शास्त्री नगर इलाके में हूँ। आपको बता दूं कि तकरीबन 5 बजे यहाँ पर एक चोरी का मामला सामने आया, जिसमें एक मोबाइल फ़ोन यहाँ से उठाकर एक लड़का भागा है। सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। सीसीटीवी आपने शुरू में देखा किस तरीके से उसमें एक युवक आता है और आकर यहाँ पर ट्यूब मांगता है, और जब ट्यूब देने लगता है ओनर तो उसका फ़ोन उठा के यहाँ से भागता है। हालाँकि बाहर के जो लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने साफ तौर से इनको कहा है कि ये 2 से 3 लड़के हैं जो कि पहले स्कूटी भी कवर कर रहे थे, और कवर करते करने के बाद ही यहाँ से जो मोबाइल फ़ोन है लेकर वो फरार हुआ है। तो ये शास्त्री नगर इलाके की खबर है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से एक मोबाइल फ़ोन चोरी कर ये चोर भागा है। स्क्रीन पर इसकी तस्वीर है, वीडियो चलाया है। जितने भी लोग उस वीडियो को देखेंगे जरूर शेयर करें, और अगर कोई इसे देखता है तो आप पुलिस स्टेशन में इसकी सलाह दे सकते हैं, और साथ ही अगर जिस तरीके से चोरियाँ बढ़ रही हैं तो आप लोगों की मदद भी इसके लिए ज़रूरी रहेगी। देखते रहें परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।